किसी ने क्या कमाल कहा है, जहाँ विश्वास है वहीं शक्ति है, वहीं जीत है और वहीं अपने सपने पूरे हो सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल इंडिसियूस में। आज दिनांक है 17 दिसंबर 2019 दिन मंगलवार। आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लें। पहला प्रश्न दोस्तों, 2020 में कौन सा देश 36वीं अंतर्राष्ट्रीय जियोलॉजिकल कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों आंसर है भारत। और दोस्तों जानते हैं इसमें जो मुख्य प्रश्न बन सकते हैं, कांग्रेस का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2 से 6 मार्च 2020 के बीच किया जाना है। और दोस्तों 6वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन भूविज्ञान दीर्घकालिक विकास के लिए मूल विज्ञान विषय पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आंसर है 14 दिसंबर। और दोस्तों जानते हैं इसके बारे में, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू किया गया था। और दोस्तों जानते हैं इसका उद्देश्य, तो दोस्तों इसका उद्देश्य ऊर्जा की खपत में कमी और कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न दोस्तों, यूरोपीय संघ ने किस देशों को जलवायु तटस्थल समझौते से बाहर कर दिया है? तो आंसर है दोस्तों पोलैंड। और दोस्तों जानते हैं इसके बारे में, यह समझौता यूरोप का पहला जलवायु तटस्थल महाद्वीप बनाने की योजना का हिस्सा है। और दोस्तों इसका उद्देश्य 2050 यूरोपीय संघ के देश में ईंधन द्वारा उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय मूल के कितने नेताओं ने ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रवेश किया? तो दोस्तों आंसर है 16। और दोस्तों जानते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है। और दोस्तों इसकी बैठक लंदन में होती है। और दोस्तों इसमें सदस्यों की संख्या 660 है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए 15 एंटी डिप्रेशन स्क्वाड शुरू किए? तो आंसर है दोस्तों असम। और दोस्तों जानते हैं इसमें जो मुख्य प्रश्न बन सकते हैं, असम मुख्यमंत्री सर्वनंदा सोनेवाल ने गुरुवार को वन विभाग के एंटी डिप्रेशन स्क्वाड की शुरुआत की। और दोस्तों जानते हैं इसमें असम की राजधानी, तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान में असम के चीफ मिनिस्टर सर्वनंदा सोनेवाल हैं और वर्तमान में असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उत्तर है दोस्तों सुनील छेत्री। और दोस्तों इसमें जो मुख्य प्रश्न बन सकते हैं, तो दोस्तों भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को 3 वर्ष के लिए पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और दोस्तों सुनील छेत्री वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल लगाने वाले मौजूदा खिलाड़ियों की सूची में 2 स्थान पर हैं। और दोस्तों जानते हैं सुनील छेत्री का जन्म सिकंदराबाद में 3 अगस्त 1984 को हुआ था। और दोस्तों जानते हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके? तो दोस्तों इनको AIFF ऑफ द ईयर खिताब वर्ष 2007, 2011, 2013 और 2014 में और 2017 में भी यह पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 100वें दिन के कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो उत्तर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। और दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से जो मुख्य प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसके पहले 2 बार पश्चिम बंगाल सरकार 100वें दिन रोजगार योजना सफल बनाने में के मामले में शीर्ष पर रही और अब 3री बार बंगाल शीर्ष पर रहा। और दोस्तों जानते हैं वर्तमान में बंगाल के चीफ मिनिस्टर तो दोस्तों ममता बनर्जी हैं और बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वर्तमान में इसके गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चैंपियन लीग के इतिहास में सबसे युवा गोल दागने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो उत्तर है दोस्तों अंशुमान पाती। उत्तर है दोस्तों आयुष्मान पाती। और दोस्तों इनके बारे में जानने की बात है, यह इस समय बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान क्षेत्र अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए
जीन थेरेपी पर एक टास्क फोर्स का गठन करेगा। तो उत्तर है दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और दोस्तों जानते हैं इसमें जो कि मुख्य प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हमारे पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों टास्क फोर्स की स्थापना का उद्देश्य जीन संपादन आधारित चिकित्सक दृष्टिकोण का पता लगाना है जो बीमारी का इलाज करेगा। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और दोस्तों इसके सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव जी हैं। और दोस्तों इसके फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए क्रिस्टल पुरस्कार किसने जीता? तो उत्तर है दोस्तों दीपिका पादुकोण। उत्तर है दोस्तों दीपिका पादुकोण। और दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न में जो मुख्य बात है, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए 26वां वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों अगला प्रश्न जो कि दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में पूछा गया था और इसका सबसे पहले जवाब रवि कश्यप ने दिया। और दोस्तों प्रश्न था राष्ट्रीय जनजातियां नृत्य महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो उत्तर है दोस्तों रायपुर। अगला प्रश्न दोस्तों जिसका जवाब दोस्तों आप लोग देंगे, और यह जवाब आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल इंडिस्यूज में भी दे सकते हैं। दोस्तों जो सबसे पहले यह जवाब देगा उसका नाम हमारी अगली वीडियो में आएगा। और दोस्तों प्रश्न है हाल ही में अल्जीरिया में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरा चैनल इंडिस्यूज। और दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ।